हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू कॉन्ट स्टडी आई एम महनाज बशीर एंड आई वेलकम यून माई केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ सो एज़ यू नो ये हमारी सीरीज़ का सेकेंड लेक्चर है जो कि कंटिन्यूटी लेक्चर है सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट हैडिंग लेट्स हैव अ ब्रीफ इन्यूमिनेशन ऑफ द मेजर पॉइंट्स फ्राम द लास्ट लेक्चर ओके सो so, हमने क्या पढ़ा था वी स्टडीड अबाउट द डेफिनेशन पार्ट देन वी स्टडीड अबाउट द मैटर वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द ओरिजिन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एटम एंड वी स्टडीड अबाउट द मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एंड लास्टली वी स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम ओके सो वी आर डन विद दिस पार्ट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट हेडिंग जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर तो हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट

तो हमारे सॉलिड्स मैटर uh, की वो फिजिकल फॉर्म है जिनकी एक डेफिनेट शेप होती है और जो एक डेफिनेट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं सो शेप यू नो इट्स अबाउट द फॉर्म एंड वॉल्यूम इज़ द स्पेस दैट मैटर टेक्स अप ओके सो so, जो सॉलिड्स होते हैं दे आर हार्ड एंड रिजिड वो सख्त होते रिज मीन्स रिज रिजिडिटी बेसिकली सॉलिड्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका मतलब होता है कि अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं ना सॉलिड मटेरियल पे, तो इनकी एक प्रॉपर्टी होती है ये उस चेंज को ये फोर्स को रिजिस्ट करते हैं एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिजिडिटी ठीक है क्लोजली पैक्ड एंड द एम्प्टी स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल जो इनकी पैकिंग होती है ना जो इनका मोलिकुलर अरेंजमेंट होता है तो उनमें जो स्पेसिज होते हैं वो बहुत कम होती है एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है दे ओनली हैव वाइब्रेटरी मोशन ड्यू टू द फिक्स्ड पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स तो इनके एज़ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर जो इनमें जो मोशन होती है वो वाइब्रेटरी होती है और बहुत कम होती है इन कम्पेरिजन टू द लिक्विड्स एंड गैसेज रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स इज कॉल्ड लैटिस आपको पता है जो ज्योमेट्रिकल जो अरेंजमेंट होता है ना सॉलिड्स में उनको हम लैटिस बोलते हैं ठीक है द एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स कॉल्ड इंटर पार्टिकल फोर्स और इंटर मोलिकुलर वो होते हैं स्ट्रॉग दस सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप इन वॉल्यूम तो इनके बीच जो फोर्सेस होते हैं लाइक जो फिजिकल फोर्सेस भी उनको कहते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में मैक्सिमम होता है तो वही एक्चुअली वही फ़ोर्स डिक्टेट करता है कि हमारा मैटर कौन सी शेप लेगा कौन सी फॉर्म लेगा वेदर दैट विल बी सॉलिड लिक्विड और गैसेस नाउ कमिंग टू द लिक्विड्स लिक्विड्स हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप जो हमारे लिक्विड्स होते हैं ना इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन इनकी कोई शेप नहीं होती एंड लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट्स प्लेस्ड तो लिक्विड उस कंटेनर की शेप लेता है जिन, जिस कंटेनर में हम उसको प्लेस करते हैं ठीक है पार्टिकल्स आर लोजली पैक्ड एंड एमटी स्पेसिज बिटवीन दैम आर वेरी लार्ज जो लिक्विड्स में पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल जो होते हैं ना उनमें बहुत काफी उनमें स्पेसेस होती है क्योंकि उसकी जो पैकिंग होती है उसका अरेंजमेंट उस आ, मतलब उस हिसाब से होता है कि उनके बीच में काफी स्पेसेस रह जाती है बिकॉज ऑफ द एट्रेक्टिव फोर्सिस बिटवीन द रिलेटिवली वीक बिटवीन दैम आर रिलेटिवली वीक हाव वो दीज आर नॉट दैट वीक टू अलो द पार्टिकल्स टू सेपरेट फ्राम वन अनदर तो इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हमने क्या सॉलिड्स uh, में देखा था उनमें मैगजिमम था और स्ट्रॉग था अब जो इनमें होता है इन कम्पेरिजन टू सॉलिड्स वो बहुत कम होता है और uh, जो इंटर पार्टिकुलर या इंटर मोलिकुलर स्पेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है दस लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप इसकी वजह से जो लिक्विड्स में क्या है डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन कोई डेफिनिट शेप नहीं होती नाउ कमिंग टू द गैशिय स्टेट अ गैस नीदर प्रोजेस अ डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम तो हमारी कैशियस स्टेट मैटर की वो फिजिकल स्टेट है जिसकी ना कोई डेफिनेट शेप होती है ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है इट ऑक्यूपाइज द होल ऑफ़ द वेसल इन विच इट्स प्लेस्ड तो हम इसको जिस वेसल में प्लेस करते हैं उसका पूरा वॉल्यूम जो होता है ना हमारा गैस ऑक्यूपाई कर लेता है ठीक है द एट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द पार्टिकल आर वेरी वेरी स्मॉल सो दैट देयर मोवमेंट इज ईजी एंड फास्ट जो एट्रैक्टिव फोर्सेज गैसेज में होते हैं वो बहुत कम होते हैं क्योंकि उनके बीच में स्पेसिस काफ़ी होती है ठीक है तो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है सो जस्ट बिकॉज ऑफ़ दैट उनकी मोमेंट फास्ट होती है ईजी होती है फास्ट क्यों होती है जस्ट बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो हमारे गैसेज में होती है ना वो मैगजिम होती है नाउ वट इज़ काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक ऑब्जेक्ट या बॉडी प्रोजेस करता है जब वो मोशन में आता है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो रेस्ट में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज़ीरो है ठीक है तो जो ही वो बॉडी या ऑब्जेक्ट मोशन में आती है उसके साथ एक एनर्जी एसोसिएट होती है ठीक है तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं ठीक है थीके? नाउ इज डेंसिटी ऑफ मैटर हम पहले देखेंगे डेंसिटी किसको कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई फ्रेगमेंट लेंगे ना मैटर का फिर हम देखेंगे उसमें पैकिंग uh, कैसी है मतलब अमाउंट ऑफ मास इन ए गिवन स्पेस अगर हम एक स्पेस लेंगे उसमें हम देखेंगे कितना क्वान्टिटी ऑफ मास कितना है ठीक है तो उसको हम डेंसिटी बोलते हैं सो डेंसिटी इज एक्चुअली मास और वॉल्यूम ठीक है so, uh, सो इफ वील सी फ्रॉम गैसेज टू सॉलिड्स तो गैसेज आर लेस डेंस दैन सॉलिड सॉलिड्स में मैक्सिमम डेंसिटी होती है दैन लिक्विड्स एंड ऑल्सो दैन गैसेज जो हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर है दे आर इंटरकन्वर्टेबल बाई चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ठीक है जो हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं ना लाइक सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस, ये इंटरकन्वर्टेबल होते हैं मींस अगर हम देखेंगे ना एटम्स एट हाई टेम्परेचर या मैटर जो हमारे हाई टेम्परेचर पे हम हमेशा गैसेस में एग्जिस्ट करता है एंड इफ वी कूल द गैस इट बिकम्स लिक्विड एंड इफ वी कूल द लिक्विड इट बिकम्स सॉलिड जैसे कि हमारे आ, एटम्स जो होते हैं हाई टेम्परेचर पे गैस की फॉर्म में होते हैं और अगर हम उसी गैस को कूल करते हैं ना लिक्विफाई तो वो लिक्विड हो जाता है लाइक हमारा एलपीजी जो हमारे घर सबके घर पे होता है एलपीजी वो एक्चुअली गैस होता है जिसको हमने लिक्विफाई किया होता है उस सिलेंडर में ठीक है और अगर हम लिक्विड को फर्दर कूल करते हैं उनको फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो वो सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है नाउ कमिंग टू प्लाज्मा प्लाज्मा क्या होता है ये प्लाज्मा इसको हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कंसिडर करते हैं इट्स एक्चुअली हाईली आइनाइज गैस ठीक है आयन मतलब क्या होता है जो हमारा एटम अगर इस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम आयन कहते हैं सो so, हमारे जो प्लाज्मा होता है इट्स चार्ज्ड गैस ठीक है तो इसको डिस्कवर किया था विलियम क्रूक्स ने 1879 और इट्स फाउंड इन स्टार्स एंड इंटरप्लेनेटरी स्पेसिस अगर हम देखेंगे सन का को जो कोर होता है ना दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फुली आयनाइज्ड प्लाज्मा ठीक है देन कमिंग टू बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हम पहले देखेंगे वाई इट्स कॉल्ड सो बेसिकली बोस आइंस्टीन दो साइंटिस्ट का नाम है एज़ यू माइड बी नोइंग तो uh, क्या होता है जो हमारे बोस है वो इंडिया के साइंटिस्ट जिनका पूरा नाम सत्येंद्र नाथ बोस थे एंड आइंस्टाइन यू नो एल्बर्ट आइंस्टीन तो उन दोनों ने इस स्टेट ऑफ मैटर पे काम करके उनके उनके उनका नाम इस मैटर को दिया जाता है ठीक है तो क्या होता है ये इसको हम कंसिडर करते हैं एज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कैसे होता है कहते हैं कि जो हमारा मैटर जो हमारे एटम्स होते हैं ना अगर उनको हम दे uh, एटम्स और मैटर एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर क्या होता है वो स्टार्ट करते हैं बिहेविंग डिफरेंटली लाइक अगर हम देखेंगे एटम्स उनका होता है पार्टिकुलेट नेचर मतलब दे आर पार्टिकल्स बट लेकिन जब हम उनको बहुत ही एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ टेम्परेचर ले जाते हैं ना नियरली टू एब्सोलूट जीरो विच एट नेगीट टू सेवन थ्री तो उस पर क्या होता है दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक वेव्स और उसके बाद क्या होता है जो ही हम फर्दर डिक्रीज़ करते हैं ना टेम्परेचर तो वहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ वेव्स हो जाती है और उसके बाद क्या होता है दे स्टार्ट बिहेविंग वेरी डिफरेंटली तो जो राइज जो एक नई स्टेट को जन्म देता है जिसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ओके सो वील सी बोस आइंस्टीन कंड इज द स्टेट ऑफ मेटर इन विच द एटम्स और सब अटामिक पार्टिकल्स और कूल टू एब्सल्यूट जीरो कैलविन दे कोलियज इंटू अ सिंगल क्वान्टम मैकेल एंटिटी तो इसमें जो हम एग्जाम्पल्स लेते हैं वो है सुपर कंडक्टर्स एंड सुपर फ्ल्यूड्स सुपर कंडक्टर्स आपको पता होगा जिनकी रजिस्टिविटी जीरो होती है टू द फ्लो ऑफ करंट लाइक वाइज सुपर फ्लूड्स नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर क्लासिफिकेशन विच इज़ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर तो हम मैटर uh, को केमिकल क्लासीफिकेशन मतलब का क्या होता है इसमें हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ठीक है सो अवर मेटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन वी डिवाइड इंटूट प्योर सबस्टांसिज एंड मिक्सचर्स एंड प्योर सबस्टांसिज फर्दर डिवाइड इंटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स लाइक वाइज जो हमारे मिक्सचर होते हैं उनमें भी दो टाइप्स होते हैं लाइक होमोजीनियस एंड हिटेरोजीनियस सो वी विल स्टार्ट विद द मिक्सचर्स सो मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाई मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सबस्टेंस जो हमारा मिक्सचर uh, होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा जो सबस्टांस होते हैं लेकिन प्योर इन द प्योर फॉर्म वो कंबाइन करके मिक्सचर बनाते हैं मनी ऑफ द सबस्टांसि प्रजेंट अराउंड अस आर मिक्सचर्स फॉर एग्जाम्पल एयर टी एंड सॉइल्ट जो हमारे आस पास बहुत सारे सबस्टांसिस होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम एयर को देखेंगे तो हमारे एयर में खाली ऑक्सीजन नहीं है वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन एंड द ट्रेसिज ऑफ अदर दीज गैसेस ओके लाइक वाइज इन वो टी हमें क्या होता है वी हैव वाटर एंड टी लीव्स देन वी हैव शुगर मिल्क तो उसकी वजह से जो वो टी होते हैं वो भी एक मिक्सचर बन जाता है लाइक वाइज स्वाइट तो मिक्सचर्स के भी दो टाइप्स होते हैं जैसे होमोजेनियस एंड हीटीरोजीनियस होमोजेनियस मिक्सचर का वो टाइप है जिसमें हम बॉन्ड्रीज़ या हम इंटरफेसेस को डिफरेंशिएटेड डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते जैसे कि हमारा ग्लास ऑफ सॉल्ट अगर हम सॉल्ट एक वाटर ग्लास में डालते तो हम उसको नहीं दे बोल पाते कि इसमें सॉल्ट भी है क्योंकि वो डिजॉल्ड फॉर्म में होता है ठीक है तो उनमें सॉल्ट एक अलग इंटरफेस नहीं बनाता है लाइक वाइज वी हैव एयर एंड मिल्क एयर में भी हम नहीं बोल पाते कि इसमें कौन कौन सा गैस है वरना हमारा एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस होता है न वट्स हिटीरियोजीनस मिक्सचर तो अगर हम लेंगे हमारा जो पानी में अगर हम तेल डालते तो ऑयल एक अलग इंटरफेस बनाता है वाटर पे तो हम बाय आवर विजुअल वी परसीव इट विजुअली हम बोलते हैं कि जी इसमें दो इंटरफेसेस है लाइक like ऑयल अपनी एक अलग बाउंड्री बनाता है और वाटर की अलग बाउंड्री होती है लाइक वाइज सैंड इन वाटर अगर हम देखते हैं सैंड सैंड की एक अलग बाउंड्री होती है पानी में और वाटर की डिफरेंट नाउ कमिंग टू द प्योर सबस्टांसिस जो हमारा सबस्टांस होता है ना उसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं सिंगल टाइप मीन्स ओनली ऑफ वन काइंड उसमें हमारे एक ही किस्म के पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इन द सेम केमिकल नेचर फॉर एग्जाम्पल अगर हम गोल्ड को लेंगे अगर हमारे पास पास एक गोल्ड का बार है अगर इसमें थाउजेंड अटम्स है फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो उसमें जो केमिकल uh, प्रॉपर्टी एक अटम की होगी वही केमिकल प्रॉपर्टी सारे अटम्स की होगी लाइक वाइज सिल्वर अगर हम सिल्वर को देखेंगे तो सिल्वर में भी खाली सिल्वर के अटम्स पाए जाते और उनकी सबकी अटम्स की प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई सिंपल फिजिकल मैथड्स क्या होता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना प्योर सब्सटेंस की उनको हम सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर पाते लाइक फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन से हम उनको सेपरेट नहीं कर पाते एग्जाम्पल डिजॉल्व सल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाई द प्रोसेस ऑफ इवॉबोरेशन हाउ एवर सोडियम क्लोराइड इट सेल्फ इज अ सबस्टेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिजिकल प्रोसेस इंटू केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है अगर हम पानी में सॉल्ट डालते हैं ना हम उस सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट वापस कर सकते हैं कैसे इवोपोरेशन से अगर हम उसको हीट करेंगे तो वहाँ से वाटर जो होता है वो इवोपोरेट हो जाएगा और हमारे आ, आ, हमारे यूटेंसिल या हमारे वेसल में लास्ट में क्या बचेगा तो वो सॉल्ट होगा तो उनको हम सेपरेट कर पाते हैं लेकिन जो सोडियम क्लोराइड इट्सैप जो होता है ना उसको हम सिंपल मेथड से इन टू इट्स कॉन्स्टिट्यूंट यानी सोडियम एन सोडियम और क्लोरीन को सिंपल मेथड से हम उनको डिसोसिएट नहीं कर पाएंगे ओके नाउ सबस्टेंस जो होते हैं दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स जिसमें एक है एलिमेंट एंड दूसरा है कंपाउंड तो एलिमेंट होते ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सबस्टेंस. जैसे हमारा आयरन है लेड है गोल्ड है ठीक है नाउ कमिंग टू कंपाउंड कंपाउंड वो सबस्टेंस होता है विच इज ऑबटेन्ड बाय द यूनियन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट एंड इनटू टू विच इट कैन बी डिकम्पोज बाय सुइटेबल केमिकल मेथड्स तो कंपाउंड क्या होता है ये वो सबस्टांस होता है जो हम ऑब्टेन करते हैं जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं ठीक है थीके? तो क्या होता है जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स होते हैं दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स अगर हम एग्जांपल लेंगे वाटर की तो वाटर बना होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का हमारा जो हाइड्रोजन है वो कम्बस्टेबल है एंड ओवर ऑक्सीजन हेल्प्स इन कम्बसन जो वहाँ से हम डिराइव करते हैं वाटर को जो हमारा कंपाउंड वहाँ पे बनता है तो दैट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम दीज कैसे क्योंकि अगर हमारा हाइड्रोजन कम्बस्टेबल है एंड ओवर ऑक्सीजन हेल्प्स इन कम्बसशन जो हमारा वाटर वहाँ से निकलता है तो दैट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम देम बिकॉज दैट्स फायर एक्सटिंग्विशर ओके Now here is a very important point which is that what's difference between mass and weight? Mass or weight में क्या difference होती है? We'll start with mass. Mass वो होता है quantity of matter present in an object. एक object में कितना mass matter present होता है उसको हम mass बोलते हैं. और जो mass होता है ना अगर आप लोकेशन चेंज करोगे ना वो मास्क कभी चेंज नहीं होता चाहे आप यहाँ पे देखो स्पेस पे देखो मास्क कांस्टेंट uh, रहता है ठीक है एंड मास कैन नेवर भी ज़ीरो इसका क्या मतलब होता है अगर मास ज़ीरो होगा ना तो फिर वो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ठीक है नाउ कमिंग टू वेट वेट होता है फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक ऑब्जेक्ट के कितना एक्ट करता है उसको हम वेट बोलते हैं ये लोकेशन के हिसाब से चेंज होता है ठीक है और वेट जीरो भी हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्पेस में देखेंगे वहाँ पर ज़ीरो ग्रेविटी होती है मतलब वहाँ पर वेट भी ज़ीरो होता है ओके सो थैंक यू सो मच आई होप आपको ये जो हमने आज पढ़ा ये क्लियर हुआ हो एंड इन केस कहीं पे आपको क्यूरी हो कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ आप मेंशन करें कमेंट सेक्शन में तो इन आवर कमिंग न्यू लेक्चर आई डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर ऑल यूअर कन्फ्यूजन ऑल योर क्यूरीज ओके तो इसके बाद हमारा लास्ट एक थर्ड लेक्चर जो आएगा uh, जो लास्ट लेक्चर होगा ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो वील बी डन विद दिस पोर्शन और हाँ आप इसके बाद हम क्विज़ भी करेंगे कंडक्ट इस सम बेसिक्स के बारे में ठीक है टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू सो मच